तो गाइस, जैसे ही हमारे सामने भूतों का नाम आता है, वैसे ही हमारे माइंड में एक अलग सी इमेज क्रिएट हो जाती है। तो आज हम आए एक ऐसे ही हॉरर जगह पे, इंडिया की टॉप थर्ड लोकेशन में से एक और उत्तर प्रदेश की नंबर एक लोकेशन पर आता है जीपी ब्लॉक। जीपी ब्लॉक मेरठ कैंट लोकेशन में है। तो आज हम यहीं पर एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं कि क्या है यहाँ की सच्चाई, क्या यहाँ सच में भूत है भी या सिर्फ अफवाहें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए आज हम आए हैं जीपी ब्लॉक में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी सच्चाई और कैसा है ये अंदर से बना हुआ। साथ में मैं आपको इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताता रहूँगा जितना मुझे पता है। तो चलिए। गाइस, ये है यहाँ का मेन एंट्री का सिंगल रोड। यहीं से हमने एंट्री ली है और यहीं से हम जा रहे हैं। यहाँ से आने का कोई और रास्ता नहीं है और यहाँ पे किसी को भी परमिशन नहीं मिलती है। स्पेशल परमिशन लेकर हम अंदर आए हैं काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद। ये जीपी ब्लॉक तीन ब्लॉक हुआ करते थे पहले, ये सेम हाउस। तो दो लोकेशन अभी भी रनिंग कंडीशन में है, वो आर्मी के अंडर में आ चुकी है, लेकिन ये वाली लोकेशन ये एज इट इज रह गई है और ये खंडर बन चुका है इस टाइम पे। चलिए गाइस, चलते हैं इसके अंदर। पहले देखते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन है। और मैं भी मेरठ में ही रहा हूँ स्टार्टिंग से, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं इस लोकेशन पे आ रहा हूँ, क्योंकि कभी हमें घर से परमिशन ही नहीं मिली यहाँ पे आने की। जब भी हम बोलते थे आने के लिए तो तभी मना कर देते थे कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। तो आज सिर्फ गाइस आपके लिए हम इस लोकेशन पर आए हैं। हमें नहीं पता कि यहाँ पे भूत होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम इस खंडर के अंदर आए। गाइस, हमें तो यहाँ का यही नहीं पता चल रहा है कि इसकी एंट्री कहाँ पे और एग्जिट कहाँ पे है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है कि सामने से शायद इसकी एंट्री है जहाँ से हम आए। तो ये इसका एंट्री पॉइंट होता होगा उस टाइम पे जब ये वर्किंग में था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत गंदगी है, यहाँ पूरे में पेड़ पौधे आ गए हैं। ये 1945 से ऐसे ही है, यहाँ पे उस टाइम से कोई नहीं रहता है। अब आसपास के लोग यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ तक है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हा वगैरह बना रखा है जो गांव साइड में बनाते हैं। इसकी एंट्री किस साइड से होगी? ये मुझे लगता है मेन एंट्रेंस से होगी। तो यहाँ पे स्टेयर्स भी हैं। तो गाइस, ये हमें यहाँ पे कुछ मिला है, तो चलो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है अंदर आने के बाद में। ये देख रहे हो गाइस, ये होल रहा होगा इसका जहां तक है। एक गेट इसका यहाँ पे भी ओपन है और एक यहाँ पे अंदर कुछ बना हुआ है छोटा सा। ये
तो ये वॉशरूम है इनका, तो ये बाथरूम रहा होगा उस टाइम पे। अब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खैर यहाँ पे कौन सी चीज कहाँ थी। ऊपर चलें गाइस, ऊपर जाने में वाकई में बहुत डर लग रहा है। चलो चलते। सब कुछ टूट गया है यहाँ पे इस टाइम पे, और बहुत गर्मी हो रखी है यहाँ पे अंदर। एक बार ऊपर देखो गाइस, ऊपर देखो। पर वहां पे खिड़की का क्या रोल है, वहां से क्या कूदने के लिए बनाए थे? यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, तो जैसे ही अगर बंद हुआ होगा तो यहाँ पे कपल्स आते थे और बाहर के लोग पार्टी वगैरह करने आ जाते होंगे, तो वो लोग आते थे यहाँ पे। ये सब कुछ यहाँ पे खराब कर दिया है, उसके बाद से यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी, तो अब यहाँ पे किसी की भी एंट्री नहीं होती है। ये ऊपर का मेन हॉल होगा इसका, और ये रास्ता बाहर निकल रहा है गाइस। ये देखो गाइस, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है छोटा सा, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे तुम लोग कहाँ रह गए, आ गया? डरो मत भैया। बड़ा ही अजीब रास्ता है इसका। हमारे कैमरामैन भैया राम साहब। वाह, आर्किटेक्चर देख रहे हो इस घर का, छोटे छोटे रास्ते बना रखे, और कहीं से भी कोई भी कमरा निकल के आ जा रहा है। और ये छोटा कमरा नहीं है, ये अच्छा खासा कमरा है, लगभग 10x10 का कमरा रहा होगा। ये टॉयलेट है जी भैया। ये इसी से अटैच इसका रूम है, अब वो हमें नहीं पता है रूम है या वॉशरूम है, जो भी रहा होगा। और यहाँ पे चलना थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ से अभी देखो सब टूट गया है, वहाँ की तक ये पूरा यही जा रहा है। जीपी ब्लॉक है, पूरी इसी की बिल्डिंग है। तो एक बार नीचे और देख लेते हैं। ये इस साइड, कहाँ जा रहे हो दोनों? गाइस यहां से ऊपर जाने के लिए एक और स्ट्रे बना हुआ है, और बहुत ही छोटा रास्ता है। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, चलो 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 चलो। ये है गाइस इसका टॉप व्यू, छत के ऊपर। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं यहां से।
ऊपर तो कुछ भी नहीं मिला हमें। गाइस यहाँ देखो, यहाँ देखो, चल दियो। यहाँ एक और रास्ता है नीचे आने के लिए, लेकिन हम यहाँ से नीचे नहीं जा पाएंगे, ये टूटा हुआ है यहाँ से नीचे से, तो नीचे आना तो बहुत रिस्की है, तो इसलिए हम नीचे नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। बट जितना हो सकता है उतना हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलो गाइस नीचे की साइड चलते हैं। अब इसमें ऊपर से तो हम, मुझे लगता है कि हमने इसे पूरा ही एक्सप्लोर कर लिया है। वैसे गाइस यहाँ ये देख रहे हो गाइस, पेड़ ने कैसे जकड़ लिया दीवारों को। यहाँ पे सारी ये पेड़ की जड़ें आ रखी है। ये 1945 से गाइस बंद है। कितना टाइम हो गया इसको बंद हुए हुए, और इसलिए इसकी ये हालत हो गई। आप हाँ यहाँ से बाहर का व्यू दिख रहा है। तो गाइस सिर्फ आपके लिए हम इतना रिस्क लेके इस लोकेशन पे आए हैं। स्टार्टिंग से हम भी इसकी बहुत कहानी सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है वो होता है। खुद हमारे दादाजी इसकी कहानी सुनाया करते थे इस लोकेशन की। इसकी पूरी स्टोरी मैं आपको बाहर निकलते टाइम बताऊंगा, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसलिए हम आपको लोकेशन विजिट करा रहे हैं। तो इसकी पूरी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत रिस्क लेकर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये ऊपर की इसकी कंडीशन देखो, ऐसे लगता है कि अभी टूट जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना जितने ज़्यादा हो सकता है। सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए ही गाइज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो अगर आपका ही सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम आगे भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना गाइस। तो ये हम इसकी बालकनी पे खड़े हैं गाइस, और एक चीज़ अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो यहाँ पे देखो, जैसे आप घरों में पिलर्स डालते हैं ना, ये उस टाइम का पिलर है। ये देख रहे हो कितनी मजबूती के साथ उस टाइम भी इतना दिमाग इसमें लगाया गया है, इतनी कारीगरी इसमें लगाई गई है, और ये आज तक भी ऐसे ही यहाँ पे है। अभी भी ये टूटा नहीं है गाइस, सिर्फ ऊपर का जो प्लास्टर है वो टूट के गिर रहा है। चलो यहां से हम आए। अच्छा यहां से हम ऊपर ही आए थे ना। ये आगे से पूरा ही टूट चुका है गाइस। यहाँ से देखो पूरा टूटता हुआ जा रहा है, तो इस साइड जाने में हमें लग रहा है कि रिस्क रहेगा। ये पूरा एरिया उस टाइम पे इसका सिर्फ एंट्री पॉइंट रहा होगा जब यहाँ पे फैमिली रहते थे। ये एक बार इसकी छत देखो गाइस, ये जंगे जंगे पे गाइस रास्ते यहाँ पे बंद कर दिए हैं। आधे से आधे इसके एंट्री पॉइंट बंद कर दिए, ये सारे अभी के बंद किए हुए हैं, ताकि यहाँ से बाहर से जो लोग आते थे वो यहाँ पे एंट्री ना करें। इसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा के पॉइंट थे
तो अब जो सिर्फ रास्ते ओपन रह गए, हम सिर्फ वहाँ पे विजिट कर पा रहे हैं, बाकी सारे रास्ते बंद है यहाँ के। और अभी जितनी भी लोकेशन यहाँ की ओपन है, हमने लगता है कि पूरी ही कवर कर लिया ऊपर से। तो एक बार नीचे से और देख लेते हैं नीचे से कैसा है। तो चलो गाइस चलते हैं नीचे। अंदर से तो हमने विजिट कर लिया, एक बार साइड से और देख लेते हैं गाइस इसका कोई और भी एंट्री पॉइंट है या फिर नहीं। ये भी शायद कोई इसका रूम ही रहा होगा। और एक बार ऊपर का व्यू देखो, ये सभी जगह की छत इस तरह से पूरी डिजाइन में बनी हुई है उस टाइम के अकॉर्डिंग। ये यहाँ से भी अभी गेट बंद हुआ है, अब ये रिसेंटली बंद हुआ होगा। तो ये रूम वही है गाइस जो अभी हमने अभी देखा है दूसरी साइड से, ये इस साइड से इसका व्यू है। एक बार आ गया हो गाइस, एक बार आ गया हो, यहां दिखाओ एक बार लोकेशन देखो एक बार। आप खुद इमेजिन करिए गाइस, अगर ये लोकेशन हम रात में विजिट करते हैं तो कैसा यहाँ का माहौल होता, और यहाँ पे कीड़े जानवर वगैरह कुछ हो भी सकते हैं क्योंकि इतने टाइम से बंद है जगह, हमें भी नहीं पता है। हम भी बस आप लोगों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। गाइस एक बार इस साइड आओ, ये यहाँ से पूरे में पेड़ आ चुके हैं इसलिए यहाँ की पूरी छत वगैरह सब टूट चुकी है। तो ये इसका ऊपर का हिस्सा है छत का, टूटा हुआ यहीं गिरा हुआ है, ऐसे नहीं कि बाद में ये किसी ने तोड़ा। इस साइड जाने का रास्ता नहीं है गाइस, इस साइड भी रुको, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये काफी ज्यादा स्केरी है गाइस, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं बस आपको दिखाने के लिए। कोई रास्ता नहीं बचा अब यहाँ पे आने जाने के लिए कहीं के लिए भी, आराम से आना यहाँ काटे हैं। एक बार आओ यहाँ पे, ये रूम गाइस ऊपर से देखो, ये सारी छत सारी स्टाइलिश थी यहाँ की, और ये नॉर्मल छत है। तो ये हो सकता है कि जो यहाँ पे पहले गार्ड रहता था ये उसका कमरा रहा हो उस टाइम पे, क्योंकि नहीं तो अगर ये इसी का पार्ट होता तो इसकी छत ऐसे अलग नहीं होती। और ये घर के बिल्कुल साइड में है, पूरी लोकेशन उस साइड है और ये बिल्कुल सेपरेट है,
और इसका रास्ता भी नहीं था, आपको ही पता है हम कैसे यहाँ पे आए। खींचना मत, टूट सकता है। चलो चलते हैं यहाँ से। ध्यान से आना सभी लोग। ये देखो, ये वो सरिया है जो छत बनाने के यूज में होता है, और ये कैसे लटका हुआ है यहाँ पे। तो हम तो इससे दूर ही रहते हैं, चलते हैं यहाँ से बाहर। गाइस, नीचे की सारी लोकेशन हमने आपको दिखा दी है, कि ऊपर की लोकेशन आपको एक्सप्लोर करा दिए। अभी हमारे टीममेट ने बताया कि हमारी एक लोकेशन यहाँ पे छूट गई है, तो हम उसी लोकेशन पर चल रहे हैं। अब शायद हमने वो बाहर बाहर से एक्सप्लोर कर लिया, हम उसके अंदर नहीं जा पाए, तो वहाँ भी चलते हैं। ये लोकेशन स्टार्टिंग में हमने आपको दिखाई थी, बट हम इसके अंदर नहीं गए थे उस टाइम पे। तो यहाँ पे अभी देखा हमने कि एक छोटा सा गेट यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ देखो। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस, ये सिर्फ एक कमरा है, और ये दोनों साइड से अभी ये बंद कर दिया है। हो सकता है इसके पीछे भी कुछ रहा हो। बाहर चलते हैं। और ये देखो गाइस, नीचे से ऊपर तक पूरे घर में चिमनी का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे, तो सर्दियों के टाइम पे इन कमरों को, हॉल को गर्म करने के लिए ये चिमनी बनाई गई होगी। लेकिन अभी ये बंद कर दिया, ताकि यहाँ से ऊपर नीचे सारी एंट्री बंद हो जाए, तो इसलिए अभी लोकेशन बंद हो गई है। और मोस्टली इसके सारे ही गेट बंद कर दिया। अब यहाँ देखोगे ये भी गेट बंद है, ये भी गेट बंद है, और इस साइड से भी बंद कर रखे हैं दोनों, इस साइड भी बंद है। तो अब यहाँ पे मोस्टली सारे गेट जितने भी है वो सब बंद कर दिए हैं, बट जितना भी यहाँ पे सब कुछ ओपन था वो हमने गाइज आपको एक्सप्लोर करा दिया है। इसकी एक एक लोकेशन हमने आपको एक्सप्लोर कराई है, जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं था हम वहाँ भी गए हैं। तो वीडियो को लाइक करना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आपका कोई और सजेशन हो, अभी तो हम यहाँ पे दिन के टाइम में आए थे, तो रात में अगर आते तो शायद ये और भी ज़्यादा स्केरी हो सकता था। लेकिन अगर आपको जो भी सजेशन हो, आपके माइंड में जो भी आ रहा हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो हम किस चीज़ पर बनाएं, या इससे रिलेटेड कोई और लोकेशन हो वहाँ पे आप बोलना, हम वहाँ विजिट करेंगे। तो आप भी अपना सजेशन देना। तो गाइस, पूरी लोकेशन हमने आपको एक्सप्लोर करा दी है, इसकी एक एक जगह आपको दिखा दी है, अंदर से पूरा एक्सप्लोर करा दिया है यहाँ पे आकर हमने। अब इसकी हम आपको स्टोरी बता देते हैं, यहाँ पे होता क्या है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पे कभी कभी एक रेड साड़ी में एक औरत दिखती है, शाम के टाइम भी दिख जाती है, और रात के टाइम तो कभी भी दिख जाती है। यहाँ के लोगों का मानना है, हमें नहीं पता वो झूठ है सच है। और ये भी माना जाता है कि यहाँ जो ऊपर वाली जो छत जो हमने आपको एक्सप्लोर कराई थी, वहाँ पे चार लोग मोमबत्ती जलाए हुए पार्टी करते हुए दिखते हैं। और कभी कभी यहाँ पे बाहर, यहाँ का जो पहले जिससे स्टार्टिंग हुई थी इस कहानी की, 1945 से पहले यहाँ पे एक फॉरेनर फैमिली रहती थी यहाँ पे। तो उस टाइम पे डेविड नाम का यहाँ पे पर्सन था, और उसकी वाइफ थी और उनके बच्चे थे, और उनका एक सोहन नाम का सिक्योरिटी गार्ड था जो उस घर में रहता था, जो साइड से अटैच था, जब हमने आपको बताया भी था वीडियो में बीच में, तो वो
उस कमरे में रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, डेविड के एक मित्र थे, इंस्पेक्टर रहे होंगे उस टाइम पे, तो डिसूजा नाम था उनका। तो बाहर जो इसकी मेन रोड रही होगी वहाँ से वो जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया रात के टाइम। सोहन बाहर ही बैठा था, तो उसने देखा कि डिसूजा का एक्सीडेंट हो गया है। वो भागते हुए अंदर आया, अंदर आके देखा कि डेविड यहाँ पे नहीं थे। तो डेविड की वाइफ से यहाँ पे उसको उसने सारी स्टोरी बताई, और तभी वो डिसूजा को हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वो हॉस्पिटल जाते जाते ही वो नहीं रहे, डिसूजा उस टाइम पे मर चुके थे। तो सोहन का ऐसा कहना था कि उसको डिसूजा दिखाई देता है यहाँ पे बाहर, जो इसकी मेन रोड थी उस टाइम पे, वहाँ पे डिसूजा दिखाई देता था, सोहन ऐसा बोलता था। और ये डेविड को और उसकी वाइफ को उसने बात बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना। तो जब डेविड और उसकी वाइफ को उनके फ्रेंड्स ने बताया कि डिसूजा यहाँ पे दिखाई देता है, दूसरे लोकलिटी को भी यहाँ पे डिसूजा दिखाई देता है, रोड पे दिखाई देता है, तो डेविड और उसकी फैमिली यहाँ से छोड़कर चले गए। उस टाइम कुछ टाइम बाद सोहन भी अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल गया, वो भी यहाँ पे नहीं रुका। तब से अगर ऐसे खंडर पड़ा है, उसके बाद से यहाँ के लोगों का मानना रहता है कि यहाँ पे एक लाल साड़ी में एक औरत दिखाई देती है, या यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ें आती है, अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, या यहाँ पे कोई चार दोस्त बैठे हुए मोमबत्ती की रोशनी में पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा लोगों का मानना है। गाइस आप बताना कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी ये झूठी है, हमें नहीं पता भूत प्रेत ये सच में होते हैं नहीं होते हैं। आपका क्या ओपिनियन है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना। Thank you.